स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कॉल रिकॉर्डिंग को डीएक्टिवेट कैसे करें। आज की वीडियो हम यही सीखेंगे। और मेरे पास हैंडसेट है वीवो U20। तो फ्रेंड मैं इस सेट में बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई भी MI, वीवो, ओप्पो कोई सा भी सेट है तो आप उसमें भी रिमूव कर सकते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड आपको करना क्या है, सबसे पहले डायल पैड को जो कि ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देख लेना है 3 लाइन का जो कि ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे दिखने मिल जाएगा ब्लैक लिस्ट कॉल्स और कॉल सेटिंग्स, तो आपको कॉल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। कॉल सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लैक लिस्ट और आपको करना क्या है कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग्स, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही फ्रेंड आपको करना क्या है जैसे कि डिसेबल जो है आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही फ्रेंड जो भी आपका जो कॉल है रिकॉर्डिंग होता था वो बंद हो जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आज की वीडियो आपने देख लिया वीवो U20 में कॉल रिकॉर्डिंग को डिसकनेक्ट कैसे करते हैं। और फ्रेंड किसी भी फोन की सेटिंग की जानकारी चाहिए, आपको UPI की जानकारी चाहिए, या फ्रेंड आपको बैलेंस चेक करने की जैसे कि बैलेंस चेक करना नहीं आता, या फ्रेंड गेम की सेटिंग्स के ऊपर कोई जैसे कि अमेजोन ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फ्रेंड। और आपको डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा फ्रेंड, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड इस चैनल पर बस पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।